इस घर में कभी अंधकार मत होने देना कान्हा जी। आपके होते कभी भी इस घर में अंधकार नहीं होगा भाभी। बिल्कुल सही कहा सुहाना तुमने। और कभी इस घर में अंधकार हो भी गया तो तुम रोशनी कर ही दो। अंधकार तो फालतू के इस घर में कदम रखते ही आ गया था, और अब मैंने डिसाइड कर लिया कि फालतू के साथ आप सबके कदम भी इस घर से बाहर जाएंगे। ये रहे इस घर के पेपर्स, और अब ये घर नीलाम होगा। थैलोग तुम्हारे को जेल भी ना भेज सकते हो, क्योंकि थैलोग के पास कोई सबूत ना है। पर साबित कैसे करोगे? ये फाइलें मैंने इनके घर जाकर चुराई है। बोलो। अरे चुप क्यों हो? बोलो बोलो। अरे बोलो ना। जो गलती आज कर दिया ना, वो दोबारा कभी करने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि अगर एक क्रिकेट खिलाड़ी का हाथ उठ गया ना, तो दो दिन तक बिस्तर से ना उठ पाओगे। समझी कि? और अच्छे से समझाओ। और रही बात हो फाइलों की, तो मैं किसी ने ना बताने वाली कि वो कहाँ रखे। ना बाबा ने, ना माँ ने, ना दादी साने, किसी ने भी नहीं। अब उन कागजों के बारे में सिर्फ मारे को पता है, और अब वो सीधा कोर्ट की तारीख वाले दिन ही निकलेंगे। और एक और बात, थाने में गुंडे भिजवाकर मार साहब को पटवाने की जो गंदी हरकत की है ना थे लोगों ने, वो आज के बाद कभी दोबारा मत कर देना, वरना मैं भूल जाऊंगी कि थे लोग इस घर से के रिश्ता रखते हो। क्योंकि जो मारे परिवार का सगाना, वो मारा भी सगाना। सिद्धार्थ, दादी साहब, दादी साहब शांत हो जाओ। इसे मारकर अपने हाथ क्यों गंदे कर रही हो? ये लोग तो अपनी शर्म हया लिहाज सब कुछ भूल गए बहुत पहले ही। शांत हो जाओ। तू इतना कैसे गिर सकता है सिद्धार्थ? अपने भाई के साथ इतनी गिरी हुई हरकत,